दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से ऑनलाइन तरीका से ही आप अपना पीएफ अकाउंट बैंक वैसे किस प्रकार से अपडेट करेंगे, पीएफ अकाउंट बैंक वैसे अपडेट करने का क्या लेटेस्ट प्रोसेस होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले आप अपने फोन लैपटॉप कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर को ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। ब्राउज ओपन करने के बाद आपको सर्च बार आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है यूएन लॉगिन, देन आपको सर्च करना है। उसके बाद आपको नीचे आइएगा तो यहाँ पे पहले ही वेबसाइट नजर आता होगा एम्प्लॉय प्रोवाइड फॉर ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपको पहला विषय पर क्लिक करना है। उसके बाद जनरली यहाँ पे आपके पास एक अलर्ट शो हो जाता है, इस अलर्ट को यहाँ से आपको क्लोज करना है या फिर नीचे देखिए तो ओके, तो आपको ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे लॉगिन पेज आपके पास खुलकर आ जाता है। अब यहाँ पे आपको अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन होना होगा, तभी आप अपना पीएफ अकाउंट में केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिलअप करना होता है, जैसे कि जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर होगा वो आपको पहले कॉलम में आपको फिलअप करना है। देन जो भी अपना यूएन का पासवर्ड बना करके रखे होंगे उस पासवर्ड को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। बाय चांस अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है, भूल चुके हैं, तो नीचे देखिए यहाँ पे नजर आता होगा फॉरगेट पासवर्ड, इस पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं और एक नया पासवर्ड जब आपका बन जाएगा तो उस पासवर्ड को यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। अदरवाइज अगर आपको याद है तो यहाँ पे फिलअप कीजिए। देन नीचे देखिए आपके पास एक कैप्चा कोड नजर आता होगा, सेम कैप्चा कोड यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता है साइन इन, तो आपको साइन इन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए नजर आता होगा ओटीपी हैज बीन सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के यहाँ पे कुछ डिजिट देख सकते हैं। तो जो भी ओटीपी आता है उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिलअप करना है। देन नीचे देखिए आपके पास एक कैप्चा कोड नजर आता होगा, सेम कैप्चा कोड यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता होगा सबमिट, तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आप अपना पीएफ अकाउंट में लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपके पास एक अलर्ट शो हो जाता है, अगर आप इस अलर्ट को पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। अगर ऊपर में देखिए यहाँ पे क्रॉस का आइकन नजर आता होगा, इस पर आपको क्लिक करना है, या तो फिर नीचे देखिए दो ऑप्शन नजर आता होगा, एक फील नो एक लेटर का, तो आपको लेटर पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है, जैसे कि सबसे पहले आपका यूएन नंबर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर यहाँ पर नजर आ जाता है। अब यहाँ पे आपको पीएफ अकाउंट में केवाईसी अपडेट करना है, उसके लिए ऊपर में ही देखिए एक ऑप्शन नजर आता है मैनेज, तो आपको मैनेज पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए काफी सारा ऑप्शन खुलकर आ जाता है, लेकिन जो काम का ऑप्शन है वो तीसरा ही ऑप्शन नजर आता है केवाईसी, तो आपको केवाईसी पर क्लिक करना है। उसके बाद केवाईसी वाला सेक्शन खुलकर आ जाता है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में नजर आता होगा एड केवाईसी, उसी के नीचे देखिए जो भी आप अपना पीएफ अकाउंट केवाईसी अपडेट करना चाहते हैं, जैसे कि बैंक केवाईसी, पैन केवाईसी या फिर पासवर्ड केवाईसी, उसका सेक्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे आपको अपने पीएफ अकाउंट बैंक केवाईसी को अपडेट करना है, बैंक केवाईसी को चेंज करना है या फिर बैंक केवाईसी को लिंक करना है, तीनों को प्रोसेस सेम ही होता है। तो चलिए यहीं पे देखिए पहला ही ऑप्शन नजर आता होगा बैंक, तो आपको बैंक पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका बैंक अकाउंट में आपका डिटेल होता है वो डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करना होता है, जैसे कि जो भी आपका पीएफ अकाउंट में आपका नाम होता है वही नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक फेच कर लेता है नेम वाला सेक्शन में, और यही नेम आपका बैंक अकाउंट में भी होना चाहिए। दोनों जगह नेम सेम होगा तभी आपका बैंक केवाईसी अप्रूव हो पाएगा, अदरवाइज नेम में किसी प्रकार से प्रॉब्लम आ जाता है, मिसमैच आ जाता है, तो फिलहाल आपका बैंक केवाईसी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी अपना पीएफ अकाउंट बैंक केवाईसी एड करना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं या फिर चेंज करना चाहते हैं, उसका जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन दोबारा से सेम अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन यहाँ पे बैंक आईएफएससी कोड में आ करके यहाँ पे जो भी आपका बैंक का लेटेस्ट आईएफएससी कोड होगा वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उसके बाद सबसे पहले आपको चेक करना होगा जो भी यहाँ पे आईएफएससी कोड या फिर जो भी आपने डिटेल फिलअप किया है क्या वो सही है या नहीं, तो चेक करने के लिए यहीं पे देखिए एक ऑप्शन नजर आता होगा वेरीफाई आईएफएससी, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आपका आईएफएससी कोड वेरीफाई हो जाता है। वेरीफाई हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपके पास एक अलर्ट आ जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ आता होगा आईएफएससी वेरीफाई, देन यहाँ पे देखिए तो ओके, तो आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका बैंक का नाम जो भी आपका ब्रांच का नाम होता है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फेच कर लेता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ब्रांच का नाम नजर आता होगा, देन यहाँ पे बैंक का भी नाम यहाँ पे नजर आ जाता है। उसके बाद नीचे आएगा तो यहाँ पे इस बॉक्स में आपको टिक माना कंसर्न देना है, देन यहाँ पे देखिए नजर आता हो सेव, तो आपको सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है, जैसे कि ऊपर में देखिए यहाँ पर नजर आता होगा एन ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर आधार लिंक मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के यहाँ पे कुछ डिजिट देख सकते हैं, और जो भी अभी आपने डिटेल फिलअप किया है वो सबसे पहले आपको एक बार चेक कर लेना है, मैच कर लेना है, सब कुछ सही हो जाने के बाद ही जो भी ओटीपी आता है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता होगा सबमिट, तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आपका बैंक केवाईसी यहाँ से आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, तो जैसे सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है उसके बाद आपको ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर देगा केवाईसी वाला सेक्शन में, और अभी जो आपने केवाईसी सबमिट किया उसको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन नजर आता होगा केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल,
उसी के नीचे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, जैसे कि सबसे पहले आपको यूएन नंबर, डॉक्यूमेंट में बैंक, उसके बाद जो भी आपका नाम होता है, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और यहाँ पे डेट और टाइम यहाँ पर नजर आता होगा। सबसे मेन पार्ट आता है स्टेटस में देख सकते हैं अभी नजर आता होगा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया हूँ किस प्रकार से आप अपना पीएफ अकाउंट बैंक को अपडेट करेंगे, किस प्रकार से लिंक करेंगे या फिर किस प्रकार से चेंज करेंगे, उसका प्रोसेस अभी तक मैंने आपको बता दिया हूँ। चलिए अब जो अभी आपने बैंक को अपडेट किया है वो कहाँ कहाँ से अप्रूव होगा, कितना स्टेप अप्रूव होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो आपका बैंक को होता है दो जगह से अप्रूव होता है, जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम स्टेटस देख सकते हैं लिखा उधर आता होगा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। इसका मतलब यही होता है कि जो भी अभी आपने बैंक को सबमिट किया है वो फिलहाल आपके बैंक के पास गया, बैंक चलिए 2 से 3 दिन में या फिर 24 से 48 घंटा में आपका बैंक को अप्रूव कर देगा। उसके बाद फाइनल अप्रूवल के लिए आपके कंपनी, आपके एम्प्लॉयर, आपका ठेकेदार के पास चला जाएगा। तो यहाँ पर स्टेटस चेंज हो जाएगा, स्टेटस में लिखा हुआ नजर आ जाएगा पेंडिंग विथ इम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइन। और जैसे यहाँ स्टेटस में आपके पास शो हो जाएगा पेंडिंग विथ इम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइन, इसका मतलब होता है कि जो भी आपका बैंक को ऐसे आपने सबमिट किया वो फाइनल अप्रूवल के लिए आपके कंपनी, आपके एम्प्लॉयर के पास चला गया। तो जैसे ही आपका कंपनी, आपका एम्प्लॉयर डीएसटी सिस्टम के माध्यम से आपका बैंक को ऐसे अप्रूव कर देगा, उसके बाद फाइनली आपका पीएफ को बैंक को सक्सेसफुली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। और जैसे ही अपडेट हो जाता है, जैसे अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे करंट एक्टिव केवाईसी वाला सेक्शन में आएगा, तो नीचे ही यहाँ पे आपका जो भी बैंक को अभी आपने अपडेट किया वो नजर आ जाएगा, यहीं पे अप्रूव लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो आशा करता हूं जो भी इस वीडियो में आपको जानकारी दी है सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को आपको लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। किसी प्रकार से डॉट कंफ्यूजन या फिर कोई भी प्रॉब्लम आता होगा केवाईसी अपडेट करते समय तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, जो भी उसका सोल्यूशन होगा मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।